रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि इस बार चर्चा का विषय कोई युद्ध नहीं बल्कि कजान शहर में हो रहा ब्रिक्स समिट है। रूस में हो रहे इस समिट में दुनिया भर से नेता पहुंचे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट के जरिए पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि 2.5 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे युद्ध और पश्चिमी देशों की एक के बाद एक कार्रवाई के बावजूद भी रूस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई प्लानिंग से पश्चिमी देशों को एक तरह से पटकनी है। दरअसल 22 अक्टूबर यानी कि आज से 24 अक्टूबर के बीच व्लादिमीर पुतिन रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान जैसे दुनिया के कई दिग्गज नेता शामिल होने के लिए रूस पहुंचे हैं। इसके साथ ही पुतिन इन सब नेताओं के साथ अलग अलग भी मुलाकात करते दिखेंगे। इस सम्मेलन में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती मौजूदगी से ये साफ है कि रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने से लेकर रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की पुतिन को किनारे करने की योजना कारगर नहीं हुई है। पुतिन के विदेश नीति के सहयोगी यूरी ने कहा कि 32 से ज्यादा देशों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी है और 20 से ज्यादा देश अपने लीडर को इस समिट में भेज रहे हैं। इस दौरान पुतिन की 20 से ज्यादा देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी और ये सम्मेलन रूस में अब तक का सबसे बड़ा विदेश नीति वाला सम्मेलन साबित हो सकता है। कजान में हो रहे इस सम्मेलन को रूस एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है और इस सम्मेलन से यह साफ दिखता है कि पश्चिम के साथ साथ लगातार तनाव के बीच क्रेमलिन अपने वैश्विक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अब बात करते हैं रूस में हो रहे इस समिट में ऐसा क्या हो रहा है जिससे पूरी दुनिया की नजर इस समय रूस के कजान शहर पर है। रूस में हो रहे इस समिट में दो बड़ी डेवलपमेंट हो सकती हैं और ये डेवलपमेंट है डॉलर को टक्कर देने के लिए R5 करेंसी और स्विफ्ट के विकल्प के रूप में ग्लोबल बैंक मैसेजिंग सिस्टम। अगर आप R5 करेंसी और ग्लोबल बैंक मैसेजिंग सिस्टम को नहीं जानते तो आपको बता दें कि करेंसी R5 का मकसद डॉलर का विकल्प बनना है। इस समय पूरी दुनिया में व्यापार के लिए अधिकतर डॉलर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब से रूस पर प्रतिबंध लगे हैं तब से कोई भी देश रूस के साथ डॉलर से व्यापार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए रूस डॉलर के टक्कर में R5 करेंसी लाना चाहता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम आखिर R5 क्यों रखा गया। उसके लिए आपको बता दें कि ब्रिक्स के जो शुरुआती 5 मेंबर हैं उनकी करेंसी का पहला लेटर R से शुरू होता है और यही वजह है कि इसे R5 कहा जा रहा है। इस समिट में जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है उसका नाम है ग्लोबल बैंक मैसेजिंग सिस्टम। अगर आपको याद हो, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तब रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। इस स्विफ्ट सिस्टम के जरिए ही दुनिया भर के बैंक्स आपस में जुड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति को विदेश में भेजना है तो ये स्विफ्ट के बगैर नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे कि स्विफ्ट सिस्टम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब रूस स्विफ्ट सिस्टम के विकल्प के तौर पर ग्लोबल बैंक मैसेजिंग सिस्टम लाना चाहता है। रूस अपने इस नए पेमेंट सिस्टम में साथ देने के लिए अपने भागीदार देशों का सहयोग मांग रहा है। अब हम आपको ब्रिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। शुरुआत में ब्रिक्स का उद्देश्य पश्चिमी दबदबे वाली दुनिया में एक संतुलन बनाना था। इस ग्रुप में 5 देश शामिल थे और ये देश थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस साल इसमें तेजी से बढ़ोतरी की गई। जनवरी में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और UAE ब्रिक्स के नए मेंबर बन गए, जबकि तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने इसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके अलावा दुनिया के कई दूसरे देश भी इससे जुड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया में ब्रिक्स का क्या महत्व है और रूस में हो रहे इस समिट में क्या खास हो रहा है। ये खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम है अमन जैन और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।